अरफीन के ऊपर आ रहा है विविन को काफी ज्यादा गुस्सा और अविनाश को बोला कि अब तू माफी मत मांग। अरफीन जो है अपनी ईगो में काफी ज्यादा अटका हुआ है और वो बस बार बार यही बात बोल रहा है कि अविनाश से मुझे माफी चाहिए, अविनाश से मुझे माफी चाहिए, बस मुझे कोई भी कम्युनिकेट नहीं करना उसके साथ, कोई बात नहीं सुननी है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं लेनी है, बस वो सीधा मेरी इंडस्ट्री को जो उसने एक्चुअली में टारगेट किया है, पर्सनल गया है, मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे नहीं, मेरे से नहीं, वो मेरी इंडस्ट्री से माफ़ी मांगे। ये बात अरफीन बोलते हुए कब से खाना नहीं खाया, जब से एक्चुअली में अगर बात करें तो कल से उसने खाना खाया तक नहीं है और वो ऐसे ही इस घर में सरवाइव कर रहा है। सोचिए कि कितना ज़्यादा ईगो है उसमें, इतनी सब चीज़ें हैं उसमें कि वो एक्चुअली में बात नहीं करना चाहता और अपनी बात जो है वो मनवाना चाहता है। ये चीज़ जो है विविन को भी पता है, विविन ने जो है काफ़ी बार अरफीन को समझाने की कोशिश की और तो और जो है इन दोनों की बात भी करवाने की कोशिश की, पर जहाँ पर अविनाश जो है कुछ अपनी बातें जो है वो क्लियर करना चाहता है, पर ये इसका कहना ये है कि भाई मुझे कोई बात क्लियर करनी नहीं है, मुझे और कोई वर्ड सुनने नहीं है, बस मेरी इंडस्ट्री के ऊपर इसने टारगेट किया है, उस इंडस्ट्री से जो है वो माफी मांगे। अब जो है काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो एक बड़े भाई होने के नाते, एक बड़े भाई के जैसा जो है विविन ने जो है अविनाश को समझाया और बहुत ही अच्छी चीज जो है विविन ने बोली। विविन ने बोला कि देख इनका जो ईगो है ना वो कहाँ पर घुस जाएगा इनको खुद को पता नहीं चलेगा, इन्होंने कुछ खाया नहीं है। देख तूने नहीं बोला है, इनको कुछ चीज़ें नहीं बोली हैं, ये अटके हुए हैं अपनी ईगो में कि माफ़ी चाहिए माफ़ी चाहिए, इनको खुद को माफ़ी नहीं चाहिए। इनका कहना ये है कि तुमने पर्सनल अटैक जो है उनकी इंडस्ट्री पे किया है, कोचिंग इंडस्ट्री पे किया है, तो माइंड इंडस्ट्री पे किया है, तो वो बंदा जो है माफ़ी मांगे मेरी इंडस्ट्री से, तो तू बस इतना कर, देख वो आएगा सामने, तुझे ना आगे बात करनी है ना पीछे बात करनी है, कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बस ये बात बोलनी है कि अगर मेरी वजह से, मेरे वर्ड्स की वजह से अगर आपकी कोचिंग इंडस्ट्री को ठेस लगी है और मेरे वर्ड्स जो है वो गलत गए हैं, तो मैं उस इंडस्ट्री से जो है मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस इसके बाद कोई भी बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे अरफीन से जो है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जो है अभी विविन बोल रहे हैं, सही बात है, पहले विविन ने यह भी बात बोली कि अविनाश उसने भी तुझसे माफ़ी नहीं मांगी, उसने भी तेरे को बहुत सब चीज़ें बोली हैं, उसने उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, सही बात है, विविन एकदम राइट है, क्योंकि अविनाश के साथ लड़ाई करते हुए उसने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इसको जो है माइंड कोच, इसको जो है इलाज की ज़रूरत है, यानी कि दिमाग में इसके बहुत नेगेटिविटी है, ये ईविल है, इसका दिमाग जो है ख़राब है, इसको ज़रूरत है डॉक्टर की। तो वो स्टेटमेंट कहाँ जाता है, वो स्टेटमेंट यहाँ जाता है कि भाई ये पागल है और ये ऐसी हरकतें करता है कि ये समझता नहीं है, तो इसीलिए इसको खुद को दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर किसी के लिए बोला है, बॉडी शेमिंग की है, उसकी मेंटली दिमाग के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला है, तो उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए आखिरकार कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अपनी वर्ड्स को तो याद नहीं रख रहे हो, बट आप दूसरे के वर्ड्स को याद रख रहे हो। अरफीन का कहना ये है कि मैं ऐसा काम करता हूँ, मैं दूसरों को जो है लाइट दिखाता हूँ, और मेरे जब ट्विंस हुए थे तब उस वक्त मैं अपने ट्विंस की फर्स्ट मूवमेंट नहीं देख पाया, क्योंकि मेरे एक इवेंट था और मुझे 500 लोगों को जो है मुझे लाइट दिखानी थी और उसके लिए मैं गया हुआ था। मैं ये एक अच्छा और अच्छा काम करता हूँ, और उस चीज़ को इसने इतने गंदे वे में जो है बोला है। भाई आप अच्छा काम करते हो उसके लिए रिस्पेक्ट है, मेरे दिल से भी रिस्पेक्ट है, अविनाश के भी है, और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनके दिल से वाकई में है। पर ऐसा नहीं है कि आप ईगो रख के आप खाना ना खाओ, आप इस तरीके से हरकतें करो, तो आखिरकार आप नहीं खा रहे तो अपना हार्म कर रहे हो, दूसरे का हार्म थोड़ी ना कर रहे हो। अगर अविनाश ये चीज़ बोल देता है, अगर इंडस्ट्री से माफ़ी मांग लेता है अरफीन से नहीं, तो वो काफ़ी सारी नज़रों में जो है हीरो बन जाता है। ये चीज़ मेरा कहना है, आपका मानना है तो बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।